है, इसको हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे हम लोगों के पास दो पावर सोर्स हो। एक पावर सोर्स मान के चलो आपका एक्स पावर सोर्स है और दूसरा आपका वाई पावर सोर्स है और आपका आउटपुट एक ही है। मान के चलो कि आपके घर में दो जगह से सप्लाई आ रही है। हम मान के चलते हैं कि एक तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से सप्लाई आ रही है और एक हम लोगों ने मान के चलो कोई इन्वर्टर या फिर हम लोगों ने मान के चलो कोई डीजी सेट हम लोगों ने लगा रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो पावर सोर्स आ रहे हैं लेकिन हमारे घर का लोड तो एक ही है। अब यहाँ पे ये ATS क्या काम करेगा? ATS ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये जो स्विचिंग करता है वो ऑटोमेटिक स्विचिंग करता है। ओके, जब आपका पावर कट जाएगा यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रहा है जब वो कट जाएगा तो ये ATS क्या काम करेगा? ऑटोमेटिक आपके लोड को शिफ्ट कर देगा जो आपका सेकंड पावर सोर्स है उसके ऊपर। और जब आपका ये वाला जो फर्स्ट पावर सोर्स जो था यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आपकी सप्लाई आ रही थी जब वो सप्लाई आपकी आ जाएगी तो आपका ATS ऑटोमेटिक वापस से उसी से कनेक्ट कर देगा आपके लोड को। ठीक है, ये काम होता है एक ATS का। अब अगर हम लोग बात करें CNC के इस ATS की तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली आप लोग CNC और यहाँ पे इस मॉडल नंबर से आप लोग सिंपली इसको सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑटो एंड मैनुअल ये दो मोड दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच रहता है ऑटो और मैनुअल का। चाहो तो आप लोग इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हो कि आपको कौन से सप्लाई में यानी कि जो आपका दो सप्लाई आ रही है उनमें से कौन से सप्लाई पे आपको आपका लोड जो है वो चालू रखना है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऑटो में कर दोगे तो उसके बाद ये जो ATS है ये ऑटोमेटिक ही आपके जो पावर सोर्सेस है उनको ये स्विचिंग करेगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास डबल पावर ऑटो ट्रांसफर स्विच है। ओके, अब यहाँ पे दो यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं इन लोगों ने। ये इंडिकेट करता है कि आपकी कौन सी पावर आ रही है और आपका जो स्विचिंग जो स्विच हो रखा है वो किस पावर के साथ में हो रखा है। ओके, यहाँ पे ये एक नोब दिया हुआ है, हैंडल है। आप चाहो तो इसको मैनुअल में करके इस तरीके से यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से। एंड अगेन ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट्स दी हुई हैं, सेम यहाँ पे इनपुट्स हैं। अब इसके कनेक्शन के टाइम पे ध्यान ये देना होता है, यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग के लिए मीन्स यहाँ पे कुछ हम लोग इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं इंडिकेट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग इसके इनपुट के कनेक्शंस की बात करो तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ जब इसके कनेक्शंस करने होते हैं हम लोगों को तो ध्यान क्या देना होता है कि जो दो हम लोगों के पावर सोर्स जो हैं उनमें जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल के साथ में लगाना है और फेस वाली वायर को हम लोगों ने फेस के साथ में लगाना है। ओके, अब आउटपुट में हम लोगों ने क्या काम करना है? देखो यहाँ पे जो न्यूट्रल है ना न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ओके, अभी मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और लाइन वाली वायर को या फिर जो आपका फेस है फेस को फेस के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, लूप बना देना है यहाँ पे। और यहाँ से दो वायर लेकर के आपने अपने आउटपुट या फिर जो आपका लोड है उसको दे देना है। अब मान के चलो यहाँ पे मेरे पास है 1 MCV, ये है जिसको मैं यूज करूंगा एज अ ये मेरा फर्स्ट पावर सोर्स होगा और दूसरी MCV हम लोगों की यहाँ पे है। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा दूसरा पावर सोर्स है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे लोड के लिए? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ADM को। ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास ADM है। अब ये भी CNC का ही है। ADM एक तरीके के ये इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। पावर अगर होगी तो ये इंडिकेट करेंगे हम लोगों को सिंपली यहाँ पे। अगर आप इसके टर्मिनल्स देखोगे तो सिंपली हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ADM होते हैं वो आपका जो इंडिकेटर्स हैं वो सिंगल डबल या फिर थ्री इंडिकेटर्स इस तरीके से एक ही इसमें आपको मिल सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों का एक पावर सोर्स ये वाला होगा और दूसरा पावर सोर्स हम लोगों का ये वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा? सबसे पहले तो मान के चलो ये हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों का मान के चलो ये मेरी लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी पावर आ रही है तो मैं एक वायर को यहाँ पे लगाता हूँ और मैं सेम वायर को ही यहाँ पे इस वाली MCV के साथ में भी कनेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास तो एक ही पावर है। लेकिन MCV से हम लोग ATS को दो जगह से सप्लाई देंगे तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे दो जगह से पावर सप्लाई आ रही है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैं इस तरीके से इस वाली वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन वायर, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली अगेन मैं एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाली वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन सप्लाई भी देनी पड़ेगी, ओके। तो मेन सप्लाई हम लोग किस तरीके से देंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों के पास है पावर सोर्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जो हम लोगों का मेन पावर आ रहा है, तो मैं लाइन वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस वाली एमसीबी के साथ में, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इससे दोनों ही एमसीबी में हम लोगों की सप्लाई चली जाएगी, ओके। और एमसीबी से हम लोग उसके बाद पावर को ऑन ऑफ करके हम चेक कर लेंगे कि हम लोगों का एटीएस जो है वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा मेन लाइन और न्यूट्रल आ रहा है वो मैंने सिंपली अपने एमसीबी पे कनेक्ट कर दिया, ओके। सिर्फ इतना काम करना है हम लोगों ने। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हम लोग अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम जो एमसीबी के आउटपुट्स हैं, आउटपुट में सिर्फ ध्यान इतना ही देना है कि लाइन की जगह लाइन और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगाना है, ओके। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, बाकी के कनेक्शंस जो हैं वो, या फिर बाकी का जो चेंज ओवर करना है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो एटीएस है वो कर देगा। तो लाइन हम लोग सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो ये ए वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ओके, यहाँ पे। और एक हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट, ओके। और सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा, ये वाला टर्मिनल है हमारा लाइन वाला, तो इसको मैं लाइन के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ओके। और सेम हमको एक न्यूट्रल यहाँ पे भी हमको कनेक्ट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल करना है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे जो ये एटीएस में हम लोगों ने दो वायर कनेक्ट कर रखी है ना, लाइन और न्यूट्रल, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर देना है अपने एमसीबी के साथ में, ओके। तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल जो है हमारा, ये न्यूट्रल का है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा लाइन वाला टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का लाइन वायर कनेक्ट हो गई। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सेम कनेक्शन हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन के साथ में लाइन कनेक्ट करना है और न्यूट्रल के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल के साथ में हम लोग यहाँ पे भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं वायर्स को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, ओके। तो यहाँ तक के कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसके आउटपुट के कनेक्शन करेंगे, ओके। तो आउटपुट के कनेक्शन हम लोगों ने किस तरीके से करने हैं, आउटपुट के कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का लाइन और न्यूट्रल है ना, सिर्फ लाइन और न्यूट्रल का आप लोगों ने ध्यान देना है। जो ये वाला टर्मिनल है हमारा, ये न्यूट्रल का टर्मिनल है, तो सिंपली मैं यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी हम लोग न्यूट्रल के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो आपके पावर सोर्स है ना, इसके न्यूट्रल दोनों ही आपस में, अगर दोनों पावर आपकी ऑन होंगी तो दोनों के न्यूट्रल यहाँ पे आपके कनेक्ट रहेंगे। तो वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही स्विच ट्रांसफर कर देता है, एक बार में एक ही सप्लाई सिर्फ आपका ऑन रहेगा, बट फिर भी न्यूट्रल के साथ में न्यूट्रल और लाइन के साथ में लाइन आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन वाला एक टर्मिनल है हम लोगों का, इन दोनों को भी इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लूप बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी वायर कनेक्ट करेंगे। और ये है हम लोगों के पास यहाँ पे एडीएम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये एडीएम है हम लोगों के पास। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, ये न्यूट्रल के साथ में हम लोग इस वाली वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो ये इंडिकेटर है हम लोगों के, ये हम लोग इंडिकेट करके हम लोगों को स्टेटस इसका पता लग सके, ठीक
ठीक है। तो एक वायर मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, और ये वाली जो वायर है इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सिंपली इस तरीके से, ताकि हमको स्टेटस का पता लग सके कि आउटपुट हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं इसके स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। ओके, ये हो गए टाइट। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन वायर है ना हम लोगों की, यहाँ पर भी हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको लाइन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिंपली यहाँ पे एक वायर लगाता हूँ, और इसके स्क्रू भी हम लोग यहाँ पे फुली टाइट कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से, एंड सेम इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आउटपुट में, यानी कि इसमें आपका न्यूट्रल और यहाँ पे एक्स टू टर्मिनल रहता है, तो इनको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल हम लोगों ने यहाँ पे लूप बना रखा है दोनों के साथ में, और यहाँ पे जो एक्स टू है, एक्स टू में भी लूप बना रखा है। न्यूट्रल ऊपर से दे दिया हम लोगों ने यहाँ से, और लाइन हम लोग यहाँ से दे रखे हैं, और इन दोनों में हम लोगों ने लूप बना रखा है। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, सिंपली इस तरीके से हम लोग इस लाइन वायर को कनेक्ट कर देंगे, और इसके स्क्रू हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है इसके। अगर आप लोगों ने डबल पोल की एमसीबी, मतलब जो चेंज ओवर वाली एमसीबीज जो होती हैं हम लोगों के, अगर उनके कनेक्शंस कर रखे हैं, तो लगभग लगभग सेम इसके भी कनेक्शन है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कनेक्शंस, हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे, हम लोग इसके सिंपली पावर ऑन करेंगे। ओके, तो पावर ऑन करते ही हम लोगों को यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा। मैं सिंपली यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग दोनों ही पावर ऑन कर देते हैं, यहाँ पे दोनों एमसीबी ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पावर आ गया। ओके, अभी हम लोगों का ये ऑफ है। ठीक है, मैनुअल में है, मतलब कि ये अभी यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसको यहाँ पे ऑटो में कर देता हूँ। अभी तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे जो ये स्विच है हम लोगों का, हमने इसको मैनुअल में किया हुआ है, मैं इसको ऑटो में कर देता हूँ। ऑटो में करते ही देखो यहाँ पे ये ऑन हो गया हम लोगों का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक पावर ऑन करता हूँ, मान के चलो ये वाला पावर सोर्स हम लोगों का नहीं आ रहा, तो इसने ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर दिया। ठीक है, अगेन मान के चलो ये पावर आई हम लोगों की, वापस से चेंज ओवर हो गया। अभी मान के चलो ये पावर नहीं आ रही हम लोगों की, और ये वाली पावर भी नहीं आ रही। अब ये वाली पावर आएगी तो ये इधर ही रहेगा, अगेन ये वाली पावर आएगी तो ये चेंज ओवर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाली पावर आ रही है, अगर मान लो दोनों ही पावर आ गई तो ये तुरंत यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ पे आप लोग इसका इंडिकेशन देख सकते हो कि पावर आ रही है या पावर कट रही है, क्या हो रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से पावर जाएगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो पावर आएगी, तो इस तरीके से ये चेंज ओवर करेगा इसको। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एक ATS काम करता है। अगर एक ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ट्रांसफर स्विच है तो वो किस तरीके से काम करेगा। ये हम लोगों के पास CNC का डबल पावर ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। ठीक है, बाकी आप लोग इसके बारे में गूगल पे चेक कर सकते हो इस प्रोडक्ट के बारे में, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे भी चेक कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कनेक्शंस और ATS किस तरीके से काम करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो एक डबल पोल ATS था, बाकी इंडस्ट्री में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, आप लोगों ने यूटिलिटीज़ में काफ़ी देखा होगा ATS, हम लोग काफ़ी हाई रेटिंग के ATS हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ 63 amps का यहाँ पे ATS हम लोगों ने लिया हुआ है। और अगर फिर भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए, और आपके फीडबैक से ही हम लोगों को पता लगता है कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके प्लीज़ हमको मोटिवेट जरूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।